हेलो स्टूडेंट्स, साइंस में हम चैप्टर 3 सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। अब तक इस चैप्टर में हम सिंथेटिक फाइबर के बारे में स्टडी कर रहे हैं कि सिंथेटिक फाइबर को मैनमेड फाइबर भी कहा जाता है और जिस लार्ज यूनिट से ये फाइबर बनते हैं उसे पॉलीमर कहा जाता है। पॉलीमर स्टूडेंट्स नेचर में भी पाया जाता है, जैसे कॉटन फाइबर नेचुरल है, उसमें भी पॉलीमर यूनिट होती है, लेकिन उसका नाम सेलुलोज है और वो सेलुलोज यूनिट ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनी होती है। इसके बाद सिंथेटिक फाइबर्स में हमने रेयान के बारे में स्टडी किया है कि रेयान आर्टिफिशियल सिल्क कहलाता है और रेयान को वुड पल्प की हेल्प से बनाया जाता है, जो कि एक नेचुरल सोर्स है, लेकिन रेयान को फिर भी हम आर्टिफिशियल फाइबर ही कहेंगे क्योंकि मैन मेड फाइबर है। इसके बाद नायलोन के बारे में स्टडी किया था कि नायलोन वेरी स्ट्रॉन्ग सिंथेटिक फाइबर है जिससे बहुत सी स्ट्रॉन्ग चीज़ें बनाई जाती हैं। आज हम स्टडी करेंगे पॉलिस्टर एंड एक्रिलिक। पॉलिस्टर इज अनदर सिंथेटिक फाइबर। फैब्रिक मेड फ्रॉम दिस फाइबर डज नॉट गेट रिंकल्ड ईजली। इट रिमेन्स क्रिस्प एंड इज ईजी टू वॉश, सो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर मेकिंग ड्रेस मटेरियल। यू मस्ट हैव सीन पीपल वियरिंग पॉलिस्टर शर्ट्स एंड अदर ड्रेसिज। टेरिलिन इज ए पॉपुलर पॉलिस्टर। सो स्टूडेंट्स, पॉलिस्टर एक ऐसा सिंथेटिक फाइबर है जिससे जो फैब्रिक तैयार किया जाता है उसमें रिंकल यानी उलझटे नहीं पड़ती, जैसे कॉटन फैब्रिक में सिलवटें पड़ती हैं, लेकिन पॉलिस्टर उससे ठीक उल्टा है। इसमें रिंकल ईजली नहीं पड़ती हैं और वॉश करने में ईजी होता है, जल्दी ड्राई अप हो जाता है। और एक पॉपुलर पॉलिस्टर का नाम बताया टेरिलिन। टेरिलिन इज़ ए पॉपुलर पॉलिस्टर। इट कैन बी ड्रॉन इनटू वेरी फाइन फाइबर्स दैट कैन बी वूवन लाइक एनी अदर यार्न, कि फाइन फाइबर से इसको तैयार किया जाता है। पहली कहती है, माई मदर ऑलवेज बाइज पेट बोटल एंड पेट जार्स फॉर स्टोरिंग राइस एंड सुगर। आई वंडर वट पेट इज। पहली जाना जाती पी ई टी का क्या मीनिंग है। सो स्टूडेंट, पी ई टी मीनिंग मीन्स पॉलीथीन टेरेप्थलेट। इसकी फुल फॉर्म है पी ई टी की, पॉलीथीन टेरेप्थलेट इज ए वेरी फैमिलियर फॉर्म ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर की एक फॉर्म है। इट इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग बॉटल्स, यूटेंसिल्स, फिल्म्स, वायर्स एंड मैनी अदर यूजफुल प्रोडक्ट्स। की पॉलिस्टर की एक सेकेंड टाइप है जिससे प्लास्टिक के आर्टिकल बनाए जाते हैं। लुक अराउंड एंड मेक लिस्ट ऑफ थिंग्स मेड ऑफ पॉलिस्टर। पॉलिस्टर स्टैंड्स टू वर्ड से मिलकर बना है, पॉली प्लस एस्टर। इट इज एक्चुअली मेड अप ऑफ द रिपीटिंग यूनिट्स ऑफ ए केमिकल कॉल्ड एन एस्टर। एस्टर केमिकल की रिपीटिंग यूनिट है जिससे पॉलिस्टर यूनिट बनी है। एस्टर आर द केमिकल्स विच गिव फ्रूट्स देयर स्मेल। एस्टर केमिकल का यूज फ्रूट्स को पकाने में भी होता है। फैब्रिक्स आर सोल्ड बाई नेम्स लाइक पॉलीकोट, पॉलीवुल, टेरिकोट एक्सेट्रा। एज द नेम सजेस्ट्स दीज आर मेड बाई मिक्सिंग टू टाइप ऑफ फाइबर्स। पॉलीकोट इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड कॉटन। पॉलीवुल इज ए मिक्सचर ऑफ पॉलिस्टर एंड वुल। सो स्टूडेंट्स, आजकल बहुत सारे वेराइटी के फाइबर आ गए हैं, इसलिए उनकी पहचान करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ नेचुरल प्लस सिंथेटिक दोनों को मिक्स करके नए नए फाइबर्स तैयार किए जाते हैं, जिससे बहुत सारे वेराइटी के यार्न बना के फैब्रिक तैयार किए जा सके। जैसे एग्जांपल के लिए पॉलीकोट दो फाइबर का मिक्सचर है, पॉलिस्टर मिला दिया प्लस कॉटन, दो चीज़ें उसमें मिक्स कर दी जाती हैं, कि पॉलीकोट इज इक्वल टू पॉलिस्टर एंड कॉटन, इनका मिक्सचर है। इसी तरह पॉलीवुल में पॉलिस्टर एंड वुल को मिक्स कर दिया जाता है तो पॉलीवुल नाम का एक नया फाइबर तैयार हो जाता है। वी वियर स्वेटर्स एंड यूज शॉल्स और ब्लैंकेट्स इन द विंटर। मैनी ऑफ दीज आर एक्चुअली नॉट मेड फ्रॉम नेचुरल वुल।
though they appear to resemble wool. These are prepared from another type of synthetic fiber called acrylic. The wool obtained from natural source is quite expensive, whereas clothes made from acrylic are relatively cheap. They are available in the variety of colors. Synthetic fibers are more durable and affordable, which makes them more popular than natural fibers. स्टैंड्स, विंटर सीजन में जो हम स्वेटर्स पहनते हैं, शॉल या ब्लैंकेट यूज करते हैं, वो एक आर्टिफिशियल वुल होती है जिसका नाम एक्रीलिक है. एक्रीलिक वुल की तरह ही गर्म होती है, हमें वार्म रखती है. अब वुल एक नेचुरल फाइबर है, लेकिन वो एक्सपेंसिव है, महंगा है. इसलिए एक नया सिंथेटिक वुल बनाया गया जिसे एक्रीलिक नाम दिया गया है, जो सस्ता है और जिससे स्वेटर, शॉल्स, ब्लैंकेट हमें सस्ते मिल जाते हैं. तो ये एक्रीलिक एक सिंथेटिक फाइबर है, मोर ड्यूरेबल, लंबे समय तक चलता है, अफोर्डेबल, गरीब व्यक्ति भी इसको अफोर्ड कर सकता है. सो स्टूडेंट्स, एक्रीलिक एक आर्टिफिशियल वूल होती है. आगे स्टूडेंट, यू हैव ऑलरेडी परफॉर्म्ड एन एक्टिविटी ऑफ बर्निंग नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स, एक्टिविटी 3.6 ऑफ क्लास 7. व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? कि क्लास 7 में हमने 3.6 एक्टिविटी की थी, जिसमें हमने कुछ नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न करके देखा था. तो उस समय हमने क्या ऑब्जर्व किया था? व्हेन यू बर्न सिंथेटिक फाइबर्स, यू फाइंड दैट देयर बिहेवियर इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द नेचुरल फाइबर्स. कि जब हमने सिंथेटिक फाइबर्स को बर्न किया, तो उनका बिहेवियर नेचुरल फाइबर से अलग होता है. यू मस्ट हैव नोटिस दैट सिंथेटिक फाइबर्स मेल्ट ऑन हीटिंग. कि हमने ऑब्जर्व किया था कि सिंथेटिक फाइबर हीट, गर्म होने पर, हीटिंग होने पर मेल्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं. दिस इज एक्चुअली ए डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर. इट इफ द क्लोथ्स कैच फायर, इट कैन बी डिजास्टर्स. द फैब्रिक मेल्ट्स एंड स्टिक्स टू द बॉडी ऑफ द पर्सन बियरिंग इट. वी शुड देयरफॉर नॉट वियर सिंथेटिक क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन और इन ए लैबोरेटरी. सो स्टूडेंट्स, सिंथेटिक फाइबर्स का ये डिसएडवांटेज है कि ये क्लोथ्स आग पकड़ने पर हमारे बॉडी से स्टिक हो जाते हैं, क्योंकि ये मेल्ट हो जाते हैं, केमिकल के हेल्प से बने हैं, इससे जल्दी आग पकड़ लेते हैं. इसलिए सलाह दी जाती है कि सिंथेटिक क्लोथ्स को हमें कभी भी किचन में या लेबोरेटरी में काम करते समय यूज नहीं करना चाहिए. उस समय हमें कॉटन या नेचुरल फाइबर से बने क्लोथ्स पहनने चाहिए. पहली कहती है, ओ नाउ आई अंडरस्टैंड व्हाई माई मदर नेवर वियर्स पॉलिएस्टर क्लोथ्स व्हाइल वर्किंग इन द किचन. कि पहली की अब समझ में आ गया कि उसकी मदर किचन में काम करते समय पॉलिएस्टर क्लोथ्स नहीं पहनती है. Because all the synthetic fibers are prepared by a number of processes using raw materials of petrochemical petroleum origin called petrochemicals. कि कोई भी synthetic fibers स्टूडेंट, उसको prepare करने के लिए petrochemicals का यूज किया जाता है, जो एक एक chemical है, petroleum से मिलने वाला chemical है. Now students, paragraph 3.3, characteristics of synthetic fibers. Imagine that it is a rainy day. What kind of umbrella would you use and why? Suppose करो स्टूडेंट्स, रेनी डे है, बारिश आने वाली है, तो किस टाइप का अम्ब्रेला यूज करोगे? एक ऐसा अम्ब्रेला जो कॉटन फाइबर से बना है, या दूसरा अम्ब्रेला जो सिंथेटिक फाइबर से बना है या फैब्रिक से बना है, कि एक में नेचुरल फैब्रिक लगा है, दूसरे में सिंथेटिक. यस, हम सिंथेटिक फैब्रिक से बने वाला अम्ब्रेला यूज करेंगे, क्योंकि उसमें से वाटर नीचे नहीं आता है. सिंथेटिक फाइबर्स प्रोसेस यूनिक करेक्टरिस्टिक्स विच मेक देम पॉपुलर ड्रेस मटेरियल्स. दे ड्राई अप क्विकली एंड ड्यूरेबल, लेस एक्सपेंसिव, रेडली अवेलेबल एंड इजी टू मेंटेन. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी एंड लर्न फॉर यूर सेल्फ. कि बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स हैं स्टूडेंट्स सिंथेटिक फाइबर्स में. जल्दी ड्राई हो जाता है, ज़्यादा टाइम तक चलता है, लेस एक्सपेंसिव, सस्ता आ जाता है, और सभी के लिए अवेलेबल
कर होना आसान हो जाता है, जिसे हम एक्टिविटी से अपने आप इसको समझ पाएंगे। एक्टिविटी 3.2, टेक टू क्लोथ पीसीज ऑफ द सेम साइज रफली हाफ ए मीटर स्केयर इच, वन ऑफ दीज शुड बी फ्रॉम नेचुरल फाइबर, द अदर कुड बी ए सिंथेटिक फाइबर। यू कैन टेक हेल्प ऑफ योर पेरेंट्स इन सेलेक्टिंग दीज पीसीज, शॉप द पीस ऑफ डिफरेंट मग्स इच कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ वाटर, टेक द पीसीज आउट ऑफ द कंटेनर्स आफ्टर 5 मिनट्स एंड स्प्रेड दैम इन द सन फॉर ए फ्यू मिनट्स, कंपेयर द वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेनिंग इन ईच कंटेनर। सो स्टूडेंट्स, हमने दो फैब्रिक के पीस लिए, एक नेचुरल था जैसे कॉटन का पीस ले लिया हमने फैब्रिक का, या वो दूसरा एक सिंथेटिक फैब्रिक का पीस लिया सेम साइज के, दोनों को दो अलग अलग मग में वाटर सेम अमाउंट ऑफ वाटर डाल के उसमें सोक कर दिया, डुबा के रख दिया 5 मिनट तक। 5 मिनट के बाद उनको निकाल के सनलाइट में डाल दिया गया और फिर ऑब्जर्व किया, डू सिंथेटिक फैब्रिक सोक लेस और मोर वाटर देन द नेचुरल फैब्रिक, कि जो सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं उन्होंने लेस या फिर मोर वाटर सोक किया यानी सोखा देन नेचुरल फैब्रिक, कि सिंथेटिक फाइबर नेचुरल फैब्रिक से, सिंथेटिक फैब्रिक नेचुरल फैब्रिक से कंपेयर करें तो लेस और मोर वाटर सोक करते हैं, लेस और मोर, यस लेस वाटर, कि सिंथेटिक फैब्रिक कम वाटर सोक करते हैं। डू दे टेक लेस और मोर टाइम टू ड्राई, और सिंथेटिक फैब्रिक को ड्राई होने में लेस टाइम लगता है या मोर नेचुरल से अगर कंपेयर करें? यस लेस टाइम, बिकॉज सिंथेटिक फैब्रिक ने लेस अमाउंट ऑफ वाटर सोक किया है तो उनको ड्राई होने में भी लेस टाइम लगेगा। व्हाट डज दिस एक्टिविटी टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सिंथेटिक फैब्रिक्स? सो स्टूडेंट्स, इससे आपको सिंथेटिक फैब्रिक की कैरेक्टरिस्टिक्स पता लग गई होगी कि वो कम वाटर सोक करते हैं, जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं। फाइंड आउट फ्रॉम योर पेरेंट्स अबाउट द ड्यूरेबिलिटी कॉस्ट एंड मेंटेनेंस ऑफ दीज फैब्रिक्स कंपेयर्ड टू द नेचुरल फैब्रिक, कि पेरेंट्स से भी हम डिस्कस कर सकते हैं कि नेचुरल फैब्रिक की बजाय सिंथेटिक फैब्रिक को मेंटेन करना, उसकी कॉस्ट, उसकी ड्यूरेबिलिटी, कि कितने टाइम तक वो चलता है, इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट टाइम स्टडी करेंगे स्टूडेंट पैराग्राफ 3.4 प्लास्टिक्स। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने रीड किया है उसको आप जरूर रिवाइज कर लेना और आगे रीड करना। एक्सरसाइज के कुछ सिंपल क्वेश्चंस जो आप इजली कर सकते हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, मार्क द करेक्ट आंसर। रेयान इज डिफरेंट फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर, कि रेयान सिंथेटिक फाइबर है लेकिन बाकी सिंथेटिक फाइबर से डिफरेंट है, क्या रीजन है इसका? इट हैज ए सिल्क लाइक अपीयरेंस, इसकी अपीयरेंस दिखाई देने में सिल्क जैसा है। इट ऑब्टेंड फ्रॉम वुड पल्प, वुड पल्प की हेल्प से बनाया जाता है। इट्स फाइबर कैन आल्सो बी वूवन लाइक दोज ऑफ नेचुरल फाइबर्स, कि नेचुरल फाइबर्स की तरह ही इसको वूवन यानी बनाया जाता है। तो आपको बताना है तीनों में से कौन सा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स। सिंथेटिक फाइबर्स आर आल्सो कॉल्ड डैश और डैश, कि सिंथेटिक फाइबर्स के और कौन से दो नाम हैं? सेकंड, सिंथेटिक फाइबर्स आर सिंथेसिस्ड फ्रॉम रॉ मटेरियल कॉल्ड डैश, कि सिंथेटिक फाइबर एक ऐसे रॉ मटेरियल से बनाए जाते हैं जिसको क्या कहा जाता है, आज ही हमने स्टडी किया है। नेक्स्ट, लाइक सिंथेटिक फाइबर्स प्लास्टिक इज आल्सो ए डैश, कि सिंथेटिक फाइबर्स की तरह प्लास्टिक भी क्या है? तो इस फिलअप को आपको अपने आप कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13, मैच द टर्म्स ऑफ कॉलम ए करेक्टली विद द प्रेसिज गिवन इन कॉलम बी, कि पॉलिएस्टर को हम स्टडी कर चुके हैं
आपको मैच करना पॉलिएस्टर को इनमें से, रेयान को स्टडी कर चुके हैं, नायलोन, ये तीनों ही हमारे आर्टिफिशियल यानी सिंथेसिस्ट फाइबर्स हैं, इनको मैच कर लेना है, बाकी जो बचेगा उसको टेफ्लोन से मैच कर देंगे। टेफ्लोन एक प्लास्टिक की टाइप है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये सब कर लेना है। समझ में नहीं आया हो तो दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, पिछले वीडियो को देख के समझ सकते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।